शायद सूरत से उमेश घीवाला, वास्तु एंड जियो एक्सपर्ट एंड एरोमा एक्सपर्ट। अभी अभी तकरीबन 2 महीने पहले मैंने एक डिवाइस लॉन्च किया था, ये पावर बूस्टर है, गोल्डन पावर बूस्टर है। उसकी सबसे पहली उसकी विशेषता क्या मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चीज आपको अपनी बॉडी के साथ लेके रखनी है, जेब में रखो, पर्स में रखो, अगर लेडीज हो तो अपनी लेडीज पर्स में रख सकती है। इससे सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा, आपको सभी ग्रहों की, नौ ग्रह की है, सूर्य चंद्र मंगल बुध, सभी 9 ग्रह की फ्रीक्वेंसी इसमें डाली हुई है। दूसरा, इसमें सभी 7 चक्र की फ्रीक्वेंसी भी बैलेंस की डाली है, तो 7 चक्र भी आपका बैलेंस होएगा। और इसमें -IR -UV और जियोपति स्टेज सबसे बड़ा, जो जियोपति स्टेज बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करता है, ये चीज रखने से बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करती है। और इसमें सभी 9 ग्रह की फ्रीक्वेंसी डाली है, -IR UV और सबसे बड़ी चीज है GS -Jeopathy Stage, जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है। तो ये चीज जब हम सो जाते हैं, कहीं पे सर्विस पर जाते हैं, तो अपनी कुर्सी के ऊपर GS के नूडल पर आपको मालूम नहीं बैठ जाते हैं, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब ये डिवाइस एक मोबाइल जैसी रखी है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट है। और सभी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को खास है, क्योंकि ये अपनी जेब में रखने से आपको कोई भी जगह, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको खुद को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, तो आपको प्रोटेक्ट करेगी। हम उसको लाइव वीडियो दिखाएंगे कैसे है। ये बॉम्बे की न्यूट्रिशन है, उसको मैंने 9 अप्रैल पे उसका ये डिवाइस दिया था, उसके 9 अप्रैल की उसकी फोटो है डिवाइस देने से पहले। और उसको 21 मई डिवाइस रखने के तकरीबन 40-42 दिन के बाद की उसकी फोटो लेटेस्ट मंगवाई है, उसको मैंने, हम उसको पर स्कैन करेंगे उसको क्या फर्क हुआ है। मतलब ये चीज डिवाइस रखने से पहले की उसकी फोटो है, और 42 डेज ये उसने रखी है, उसके बाद में उसके जेब में उसने रखी है पर्टिकुलर लेडी ने, हम उस चेक करेंगे उसकी पॉजिटिविटी डिवाइस रखने से पहले कितनी है, डिवाइस रखने से बाद कितनी बढ़ी है, उसका चक्र कितना ठीक है, पहले डिसबैलेंस है अभी कितना ठीक हुआ है, ग्रह की फ्रीक्वेंसी क्या है, और आफ्टर डिवाइस किया हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसके पॉजिटिव एनर्जी चेक करेंगे। इस पर्टिकुलर लेडी की पॉजिटिव एनर्जी 9 अप्रैल, मतलब मैंने जो डिवाइस दिया है उसके पहले की चेक करेंगे, डिवाइस देने से पहले की पॉजिटिव एनर्जी हम चेक करने जा रहे हैं। जीरो है, मतलब डिवाइस देने से पहले उसकी पॉजिटिव एनर्जी 9 अप्रैल को जीरो थी। आफ्टर दिस वन ये यूनिट उसके पास पावर बूस्टर रखने से बाद 21 मई 42 दिवस उसने रखी है, अब उसकी फोटो मैंने निकाली, उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी चेक करे, सेम सैंपल अब हम चेक करेंगे। हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव एनर्जी इसमें इंजेक्ट होगी, मतलब ये डिवाइस से सिर्फ 42 डेज के बाद में मैंने दिखाया था उसकी पॉजिटिव। उसके बाद में हम देखेंगे उसका सोलर प्लेक्सिस देखेंगे, सिर्फ 2 चक्र हम देखते हैं जो उसका वीक है, ये उसका सोलर प्लेक्सिस है, मणिपुर चक्र बोलते हैं उसको, मणिपुर चक्र चेक करते हैं। मणिपुर चक्र इस बॉडी में माइनस दिखा रहा है, मतलब वीक है। अभी मनीष चक्र आफ्टर ट्रीटमेंट देखेंगे, ओके हो गया, मतलब शरीर के बॉडी के चक्र भी वो बैलेंस करता है। अब हम उसको कोई भी 2 ग्रह उसका वीक है हम चेक कर लेते हैं। उसका मर्क्यूरी बुध
बुध वीक है, वापस चेक कर लेते इसमें। मतलब इसमें बुध की कमी है, बुध ग्रह की फ्रीक्वेंसी कम है। अभी आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी बुध की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। ये ओके होगी। शुक्र वीनस, ये वीनस का सैंपल है। वीनस भी इसमें माइनस दिखा रहा है। आफ्टर ट्रीटमेंट देख लेते वीनस क्या पोजीशन है। ओके हो गया। और लास्ट है शनि, हम चेक कर लेते एक बार। ये है सैटर्न शनि, शनि का सैंपल है, शनि चेक कर लेते। शनि ग्रह की फ्रीक्वेंसी भी माइनस है ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के बाद शनि ग्रह की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। ओके हो गई। मतलब इस बूस्टर से रखने से सिर्फ 42 डेज में उसका सभी ग्रह, सभी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई है, आईआर भी निकल गया, जियोपोलिटिकल स्ट्रेस उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और सेवन चक्र भी बैलेंस हो गया, और ये चीज से उसकी ओरा भी बढ़ गई है। थैंक यू।